और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुश्ती विवाद पर 7 सदस्य कमेटी बन गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने यह कमेटी बनाई है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच इस कमेटी की तरफ से की जाएगी। पहलवानों के आरोपी की जांच कमेटी करेगी। मैरीकॉम, डॉली बैनर्जी कमेटी में शामिल है और इसी के साथ साथ योगेश्वर दत्त, अलकनंदा अशोक जांच कमेटी में शामिल है। सहदेव यादव और 2 वकील भी कमेटी में शामिल है। कमेटी ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच करेगी। तो पहलवानों के प्रदर्शन के बाद अब एक्शन देखने को मिल रहा है पूरे मामले में, और अब कुश्ती विवाद पर 7 सदस्य कमेटी बनाई गई है। मैरीकॉम, डॉली बैनर्जी इसमें शामिल है, योगेश्वर दत्त जो कि पहलवान है वो भी इसमें शामिल है, और ये कमेटी जांच करेगी। जो भी आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगे हैं वो जांच में क्या पाए जाते हैं, उन्हें लेकर क्या सामने आता है, इसकी जांच कमेटी की तरफ से की जाएगी। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से पहलवानों से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक पहलवानों से बातचीत की अनुराग ठाकुर ने। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। लगातार पहलवान ब्रजभूषण सिंह का कर रहे हैं विरोध और अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफे की मांग की जा रही है पहलवानों की तरफ से। तो एक तरफ भाजपा यूपी की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने का दम भर रही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीट को नापने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश की कोशिश न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझना है बल्कि 24 की पिच पर यूपी की हर एक सीट पर भाजपा को चुनौती देना भी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश 24 की पिच पर साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ा पाएंगे। अखिलेश का ग्राउंड जीरो प्लान, भाजपा के अंदाज में जंग का ऐलान। ऑपरेशन थर्ड फ्रंट की 80 डिग्री चाल, 24 पिच पर अखिलेश कर पाएंगे कमाल। जहां एक तरफ भाजपा ने गाजीपुर की धरती से अपने मिशन 80 का शंखनाद कर दिया है, वहीं अब अखिलेश यादव भाजपा को उसी की चाल से चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव बजट सत्र के बाद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट का दौरा करने वाले हैं, जिसे जानकार भाजपा के मिशन 80 के जवाब के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिश न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझना है बल्कि यूपी की हर एक सीट पर भाजपा को चुनौती देना है। 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अखिलेश यादव भी अब प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और जमीन पर उतरकर जनता का मूड क्या है इसे जांचने का, इसे परखने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं कुछ समय बाद शुरू होंगी और हर एक लोकसभा सीट पर खुद अखिलेश यादव जाएंगे। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव जब रथ लेकर निकले थे तो उसमें खूब भीड़ जुटी थी। ये अलग बात है कि वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अलग तैयारी की है, जिसमें जेल भरो आंदोलन, हर लोकसभा में जनसभा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने और जनता को समाजवादी पार्टी के काम के बारे में बताना है। हालांकि अखिलेश यादव के इस दौरे से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। सपा के खिलाफ भाजपा से लेकर बसपा और सुभाषपा सबने मोर्चा खोल दिया है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है, और सरकार का भी यही अभियान है कि जेल में गुंडे और अपराधी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें सहयोग करेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो हम फील्ड में नहीं देखे, किसी मैदान में जंग में गए? लखीमपुर गोलाबाई इलेक्शन जंग में तो नहीं गए? आपके आजमगढ़ चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा था, वहाँ तो मैदान में नहीं गए। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे,
विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था, और जब 22 में वो कामयाब नहीं हुए तो अब उनके डे बाय डे उनका ग्राफ गिरना ही गिरना है। अब सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव 24 के पिच पर साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल पंचर ही रही है। बड़ी बात यह है कि भाजपा ने अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए अभी से ही भाग दौड़ शुरू कर दी है, क्योंकि जेपी नड्डा जहां यूपी का दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने यूपी आने वाले हैं, जबकि पीएम मोदी जून के बाद हर महीने यूपी का दौरा करने वाले हैं। मतलब एकदम साफ है, एक तरफ भाजपा के महारथी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, और लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। जो उन्हें जीतेगा उसका पलड़ा दिल्ली में भारी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंग। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।